दूसरे पर बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल पैक आज भी कुछ सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, सबसे पहले सरसों के ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि सरसों का स्टॉक भले ही अभी मंडियों में बहुत ही कम देखने को मिल रहा हो, और सरसों की नई फसल आने में भी अभी समय है, और कुछ खबरें भी निकल के सामने आई कि इस बार सरसों की बुआई लेट हुई है, तो इसलिए मार्केट्स में सरसों की जो नई आवक होगी, न्यू अराइवल होगी, वो भी लेट ही होगी। रूपा जी, आपको क्या लगता है आवकों में देरी होना, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि इस बार सरसों के किसानों को काफी अच्छे दाम मिले हैं, तो किसानों ने इसकी बुआई भी ज्यादा करने की सोची है, आपको क्या लगता है? अगर उत्पादन पहले के मुकाबले ज्यादा रहता है, लगभग दोगुना होने का अनुमान लगाया जा रहा है जानकारों द्वारा अभी सरसों का, तो क्या सरसों की कीमतों पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है आगे जाके? देखिए, हाल फिलहाल में जो फंडामेंटल अहम रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते सरसों की कीमतें जो है अब तक काफी जो है वो रुकी हुई हैं और अभी तेजी की तरफ नहीं गई हैं। अभी एक त्योहारी सीजन की एक मांग है जो तेलों को ऊपर ले जा सकती है, लेकिन इसका फंडामेंटल अब काफी कमजोर होता आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें निकल करा रही है, हाँ, लेकिन अराइवल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2-3 महीने लेट हो सकती है, उसका इम्पैक्ट प्राइजेस के ऊपर आ सकता है, वो प्राइजेस को ऊपर उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन जब अराइवल्स आएंगे तब एकदम से प्राइसेस के अंदर करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो मिला जुला सा रुझान आप कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना तो मंदी की और अभी ना फिलहाल तेजी की। हाँ, अगर अराइवल्स लेट होते हैं, डिले होते हैं, तो एक कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ त्योहारी सीजन की एक मांग जो है एक्सपेक्ट की जा रही है वो निकल सकती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो सरसों की कीमतों को फिलहाल सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अवज में अगर देखा जाए तो ओनली सरसों के अंदर ही तेजी का रुझान बन सकता है, लेकिन सोयाबीन और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में बहुत सुस्ती का माहौल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा खरीदारी फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि सोयाबीन 5000 के नीचे लुढ़क सकती है। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो भी 1200 के आसपास या 1200 के नीचे लुढ़क सकता है आने वाले दिनों में। त्योहारी सीजन के चलते थोड़ा बहुत पिकअप आ सकता है डिमांड के अंदर, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से। अभी तेलों के अंदर खरीदारी से बचना चाहिए। हाँ, सरसों के अंदर आप थोड़ी छुटमुट खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई नीचे किस तरह अगर 8000 के नीचे अगर लुढ़कती है, किसी दिन करेक्शन आती है, तो वहां पर एक बाइंग की रणनीति बना सकते हैं जो कि इसको आने वाले 10 से 15 दिनों में तेजी की तरफ बाजार ले जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे बहुत ज्यादा तेजी का नहीं लगता है। मेरे हिसाब से तेलों के अंदर गिरावट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी,